आओ और इधर आइए, आओ इधर बैठो, इधर आइए ना, आइए सर, आइए बैठिए, बैठो बैठो। स्टार्ट करें। हाँ जी, आप सभी को याद होगा कि बस मार्शल्स दिल्ली की जितने भी बसें हैं उसमें डिप्लॉय किए गए थे, और आज हमारी डीटीसी की और क्लस्टर की जितने भी बसें हैं दोनों शिफ्टों में बस मार्शल्स जो हैं वो डिप्लॉयड हैं। एक सवाल काफ़ी बार पूछा जाता था कि जी बस मार्शल्स की क्या ज़रूरत है, ये क्या करेंगे, और मुझे वाकई में बड़ी खुशी हो रही है ये बता के कि जिस मकसद के लिए बस मार्शल्स की नियुक्ति की गई थी कि फीमेल जो पैसेंजर्स हैं उनकी सिक्योरिटी, और वैसे भी और भी जो पैसेंजर्स हैं उनकी सिक्योरिटी को लेके, कल एक जो इंसिडेंट हुआ 728 बस रूट पर पालम फ्लाईओवर के आसपास, एक छोटी बच्ची 4 साल की, उसको निज़ामुद्दीन स्टेशन के आसपास से उसको किडनैप किया गया, और ये जो व्यक्ति हैं उसको फिर उस बस में कहीं और ले जाने की कोशिश थी। वहाँ पर बस मार्शल जो अरुण जो ड्यूटी पे थे और कंडक्टर वीरेंद्र, इन्होंने देखा कि बच्ची जो है अनकंफर्टेबल है और रो रही है, उस व्यक्ति के चुप कराने पर भी और उसको उसके तमाम कोशिश के बावजूद भी बच्ची जो है नहीं चुप हो रही है और शी इज़ वेरी अनकंफर्टेबल, इनको शक हुआ और इन्होंने बस ड्राइवर को अलर्ट किया और बस के दोनों दरवाजे जो हैं वो लॉक कर दिए गए। उस व्यक्ति ने वहाँ से भागने की पूरी कोशिश की, लेकिन बस मार्शल की जो अलर्टनेस थी, इनके जो प्रेजेंस ऑफ माइंड थी, और ये पूरे जो सावधानी इन्होंने ली उसके कारण वो नहीं भाग पाए, और नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पे उस बच्ची को और उस व्यक्ति को पुलिस स्टेशन पे वहाँ जो पुलिस वाले हैं उनको हैंडओवर किया, तो पता चला कि निज़ामुद्दीन स्टेशन पे उसी बच्चे की सुबह मिसिंग की रिपोर्ट ऑलरेडी FIR दर्ज है। तो ये एक मैं समझता हूँ कि जीता जाता एग्जाम्पल है हमारे जो प्रोजेक्ट और जो प्रोग्राम था और हमारा जो वादा था सभी दिल्ली वासियों को कि महिला सुरक्षा को लेके, महिला सिक्योरिटी को लेके हम पूरी सरकार जो है पूरी कमिटेड है, और दिस इज़ वन ऑफ द इंसिडेंट व्हिच क्लियरली एस्टैब्लिशेस द कनेक्ट बिटवीन बस मार्शल एंड द सिक्योरिटी ऑफ द पैसेंजर्स। मेरे ख्याल से हम सभी दिल्ली वासियों को अरुण ने जो काम किया बस मार्शल ने और तमाम जो बस मार्शल्स तैनात हैं, हम सबको इन सभी बस मार्शल्स पे बहुत गर्व है। दिस इज़ वन इंसिडेंट, और जो हमें इंसिडेंट्स नज़र में आए हैं लगभग 29 अक्टूबर से लेके आज 21 नवंबर है, इन लगभग 20 दिन में काफ़ी हमारे जो बसें हैं जहाँ जो जेब काटी जाती थी, पिक पॉकेटिंग हुआ करती थी, उन काफ़ी जगह बस मार्शल्स के द्वारा उन सभी जो पिक पॉकेट के इंसिडेंट्स हैं उनको पकड़ा गया है। काफ़ी रूट्स जिन पे लगातार इस तरह की घटनाएं सुनने में आती थी उनमें कुछ कमी आई है। तो मैं समझता हूँ कि बस मार्शल्स की नियुक्ति के बाद एक जो इस तरह की जो गलत हरकत और इस तरह के जो गलत काम जो लोग कर रहे हैं उनके माइंड में एक खौफ भी पैदा हुआ है, और उनको मालूम है भी अगर ऐसी कोई हरकत करेंगे तो वो पकड़े जाएंगे। एक बार फिर दोबारा सभी बस मार्शल्स को और स्पेशली अरुण को जिन्होंने बड़ी हिम्मत के साथ, और वहाँ के कंडक्टर और ड्राइवर को बहुत बहुत बधाई। कुछ कहना चाहेंगे, कुछ पूछना चाहेंगे आप लोग? ये क्लस्टर की बस थी। सिविल डिफेंस वॉलंटियर हैं। 24 एज है सर। अरुण कुमार बता दीजिए।
बता दो आप क्या हुआ, बता दो आप। ये इंसिडेंट धोलागुआ में हुआ, ये इंसिडेंट धोलागुआ में हुआ। ये जो बच्ची को लेके पालम फ्लाई ओवर से चढ़ा था, बच्ची काफ़ी रो रही थी और धोलागुआ पे इसने उतरने की कोशिश की, तो मेरे को लगा ये बच्ची काफ़ी रो रही थी, मेरे को लगा कि ये कुछ गलत हो रहा है। उस दौरान मैंने टोक दिया उसको, तो इमिडिएटली मैंने कंडक्टर ड्राइवर को बोला कि थोड़ा सपोर्ट करो। सर ये बस गोला डेरी से आ रही थी, गोला डेरी से न्यू दिल्ली जा रही थी। 728 रूट नंबर। सर लगभग 4 साल हो गए। सर ये पौने ग्यारह कल सुबह 11:15। सर उसको टोका, वो भागने की कोशिश कर रहा था उस बच्ची को लेके, तो इमिडिएटली मैंने ड्राइवर को बोला दरवाजे बंद कर दो आप, लॉक कर दिया उसने, तो कंडक्टर ने भी मेरा साथ दिया इसमें। उस व्यक्ति की एज कितनी होगी उस शख्स की जो? ये 16-17 के आसपास होगी सर उसकी। यंग लड़का था सर। पीसीआर कॉल किया आप लोग या पुलिस स्टेशन ले गए? पुलिस चौकी ले गए थे। पीसीआर पे भी कॉल की थी। धोलागुआ बस स्टॉप के पास ही पुलिस स्टेशन है, इन्होंने वहां से उतार के और सीधे ये पुलिस स्टेशन में ले गए और 4 बस के पैसेंजर्स ने भी इनके साथ गए जिन्होंने मदद की। सर प्रीवियस अभी तक कितने मतलब ऐसे इंसिडेंट्स फाइल किए हैं मार्शल्स ने या कंडक्टर ने? कुड दिस इज देयर एनी फिगर दैट वी कैन राइट दैट? नहीं, ये तो देखिए डीटीसी की बसों में तो इस तरह के जहां बस मार्शल्स ने किसी बुजुर्ग पैसेंजर को सपोर्ट किया, हेल्प किया, कुछ किसी का, आपको याद हो अभी जो पीछे बस मार्शल्स का प्रोग्राम था वहां 15 जो डीटीसी में बस मास्टर थे उनको सम्मानित भी किया था, है ना। किसी ने कोई वैल्यूबल कोई चीज़ छोड़ दी अपनी बस में, वो भी वापस किया है। और काफ़ी सारे इंसिडेंट्स जहाँ पे ईव टीजिंग वगैरह के हैं वहाँ भी बस मास्टर्स ने काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया है। वही मैं बता रहा हूँ जो वैल्यूबल की बात कर रहा हूँ, आई एम हिंटिंग एट दैट केस ओनली। We have in all the buses almost. Sir, मेरे दो सवाल। जितनी बसें हैं उसकी डबल कर लीजिएगा। कितनी बसें? तो इनका काम नहीं करते होंगे I'm sure। छुट्टी के सवाल है, मिशन का होगा। आपको इनाम के तौर पर सरकार क्या देने वाली है? नहीं, वी बिल्कुल इसमें जो ऐसे बस मार्शल्स हमारे who show courage and presence of mind, तो हम इनको अवार्ड भी करेंगे और एक वी विल गिव देम सर्टिफिकेट आल्सो ऑफ टू एक्नॉलेज दैट एक्ट। सर दूसरा सवाल ये है कि ये तमाम जितने सिविल वॉलंटियर्स हैं इतना जिम्मेदार वाला काम है, इनका जिम्मेदारी वाला, तो लेकिन इनके दिमाग में भी दिल में ये डर रहता है कि कहीं ना कहीं परमानेंट नहीं है, कभी भी नौकरी से निकाल दिया जाता है, इसके बारे में क्या सोचना है? देखिए काम ज़रूरी है, ये भी कोई गारंटी नहीं है कि जो परमानेंट है वो भी कोई बहुत बढ़िया काम करेगा। तो जो काम अच्छा कर रहा है हमारा फ़र्ज़ है उसको एनकरेज करने का और उसको उसकी हौसला अफजाई करने का। थैंक यू। थैंक यू। आप निकल जाइए।